चाहे आप फ्रीलांसर हैं या किसी भी फील्ड में अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक बात समझने की जरूरत है कि अच्छे क्लाइंट का इंतखाब कैसे किया जाता है और ये कैसे समझा जाता है कि आने वाला जो क्लाइंट है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन सकता है या नहीं बन सकता। जब मैं फ्रीलांसिंग से सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ मूव कर रहा था तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। अगर आप अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हैं या किसी भी फील्ड में अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक बात समझने की जरूरत है कि अच्छे क्लाइंट का इंतखाब कैसे किया जाता है और ये कैसे समझा जाता है कि आने वाला जो क्लाइंट है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर आपने अपना कीमती वक्त एक बुरे क्लाइंट को दे दिया तो शायद उसकी जिंदगी तो बन जाएगी लेकिन आप जिंदगी में कहीं नहीं जाओगे। इसी तरह से जब मैं फ्रीलांसिंग से सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ मूव कर रहा था तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। एक गलती तो मुझे कभी भी नहीं भूलेगी और मैं ये दावा कर सकता हूं कि ज्यादातर लोग वो गलती करते हैं। जब मैं फ्रीलांसिंग से सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ मूव कर रहा था तो मेरे पास काफी सारे क्लाइंट थे उस वक्त और मैं सबको बहुत क्वालिटी की सर्विसेज दे रहा था। उसके बाद एक क्लाइंट आया जो मुझे लग रहा है जस्ट ऑर्डिनरी क्लाइंट है, एक टास्क लेके आया, ना मैं उसका विजन समझा ना कुछ। मैंने एक टीम एलोकेट कर दी, उसको प्रोजेक्ट मैनेजर एलोकेट कर दिया, उसने काम शुरू कर दिया। वो महीने भर हर महीने पैसे देता जाता, हम काम करते जाते, वो पैसे देता जाता, हम काम करते जाते। एक साल गुजर गया, उस क्लाइंट ने अप्रॉक्सीमेटली $70,000-$80,000 से ऊपर का मुझे बिजनेस दिया और अचानक से वो क्लाइंट चला गया। और एक दिन मुझे मैसेज आया कि हमारे पास बजट नहीं है, वी आर आउट ऑफ बजट और अभी हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और मैंने हैप्पीली कहा, अच्छा ठीक है यार, जब बजट आपके पास आएगा आप वापस आ जाना। क्योंकि मुझे भी यही लगा कि उसके पास बजट नहीं है और वो वापस आएगा तो काम तो अच्छा जा रहा था, मेरा बिजनेस कंटिन्यू करेगा। यहाँ मैंने अपने क्लाइंट को फॉर ग्रांटेड लिया। मैं नहीं समझा कि उसने मुझे क्यों छोड़ा, मैंने गलती क्या किया। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब क्लाइंट हैप्पी नजर आ रहा था, पैसे आ रहे थे, तो उस वक्त मैंने क्लाइंट का फीडबैक नहीं लिया। मैं देखता कि पैसे टाइम पे आए, इसका मतलब यह है कि काम भी अच्छा हुआ होगा। तो मैंने अपनी टीम की अकाउंटेबिलिटी उस वक्त नहीं की थी। मैं डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कॉल पे जाके ये नहीं पूछा कि मुझे बताओ कि आप मुतमईन हो हमारे काम से या नहीं हो, आप हमें हमारी खामियों के बारे में बताओ, आप मुझे बताओ कि मैं खुद को कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैंने बिल्कुल नहीं पूछा। जैक मा कहता है, फिक्स द रूफ व्हेन द सन इज स्टिल शाइनिंग। कि अपने, अगर मैं इसको लेमैन लैंग्वेज में डिफाइन करूँ, तो अपने मामला तब ठीक कर लो जब सब ठीक जा रहा हो, उनके खराब होने का वेट मत करो। अगर आपका क्लाइंट आपके साथ ठीक चल रहा है तो ये अज्यूम मत करो कि सब ठीक हो रहा है, उसको इनकरेज करो, इनवाइट करो, उसका फीडबैक लो और उसके फीडबैक को एक्सेप्ट करो, खुद को इम्प्रूव करो और करते चले जाओ। जब आप अपने क्लाइंट्स को समझना शुरू हो जाओगे और अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू हो जाओगे, अपनी गलतियों को समझना शुरू हो जाओगे, आप दुनिया के किसी भी बिजनेस में हो आप कामयाब हो जाओगे। मोस्टली गोरे क्लाइंट जब आपको छोड़ के जाएंगे तो वो लड़ेंगे नहीं आपके साथ, वो आपको ब्लेम नहीं करेंगे, वो चुप करके कोई रीजन देंगे आपको और चले जाएंगे और वापस कभी नहीं आएंगे। ये बात मुझे तब पता चली जब चंद हफ्ते बाद मैंने देखा कि वो एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, उस टीम को मैं ऑलरेडी जानता हूँ, और आज वो प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया में अप्रॉक्सीमेटली $40,000-$50,000 पर डे कमाता है। और आज मुझे एहसास होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। अगर आज मैं उस प्रोजेक्ट का पार्ट होता तो मैं आज कहाँ पे होता। लेकिन लर्निंग ये थी कि उसके बाद जितने भी क्लाइंट आए मैं कंटिन्यूसली फॉलोअप लेता हूँ, फीडबैक लेता हूँ, क्रिटिसिज्म करने के लिए उनको इनवाइट करता हूँ कि मुझे बताओ कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और मैं क्या ठीक कर सकता हूँ। और जब वो क्रिटिसाइज करते हैं तो मैं सुनता हूँ, मैं लड़ता नहीं हूँ, बर्दाश्त करता हूँ और सबसे पहले खुद को क्रिटिसाइज करता हूँ। जब कभी क्लाइंट आपको क्रिटिसाइज कर रहा होता है तो आप डिफेंड नहीं करते हो कि आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है, आप डिफेंड करना शुरू हो जाते हो। जब आप अपने आपको डिफेंड कर रहे होते हो तो इस दौरान आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हो, वो ये कि अपनी खामियां कभी आप ढूंढ नहीं पाते हो। और अगर आप अपनी खामियां नहीं ढूंढ पाओगे तो अपने आप को इम्प्रूव कैसे करोगे, और अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे तो आपका बिजनेस कैसे इम्प्रूव होगा। आप वहीं के वहीं अड़े रहोगे, फ्रीलांसिंग में फंसे रहोगे। फ्रीलांसिंग में सबसे भारी कॉस्ट पता क्या होती है, फ्रीलांसिंग में सबसे भारी कॉस्ट ये होती है, नए क्लाइंट को समझना, नई स्पेसिफिकेशन समझना और नई वैल्यू बनाना।
लेकिन जब आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ काम करते हो तो वो आपको समझ जाता है, आप उसको समझ जाते हो, आपकी एफर्ट बहुत कम हो जाती है, जिससे आपका बिजनेस करना आसान हो जाता है। मुझे उस दिन लिटरली एहसास हुआ कि आज के बाद मैं कभी किसी चीज़ को, किसी क्लाइंट को फॉर ग्रांटेड नहीं लूँगा। इस गलती ने मेरे 2 से 3 साल ज़ाया किए। मैं नहीं चाहता आप लोगों का टाइम वो ज़ाया हो। बी वेरी केयरफुल अबाउट योर कंटिन्यूस लर्निंग एंड योर क्लाइंट्स।